नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है इट सेज अ बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ आर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी हमें बताना है कि जब उसको हम अपने सरफेस से सिंपल uh, सवाल है तो जब हम अपने यहाँ पर सर्फेस से एक बॉडी को उठा के एक सर्टेन हाइट पे ले गए हाइट की वैल्यू टू आर है आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है सो so यहाँ से जब हम यहाँ ले गए तो उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगा सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इस पॉइंट पे लिखी जाएगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय थ्री आर बिकॉज सेंटर से अब उसका डिस्टेंस हो चुका है माइनस थ्री आर और उसके बाद करेंगे इसमें से माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे थी सो दैट वॉज जी एम एम बाय आर ये आपकी सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा पी ई आ गया जी एम एम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टू बाय थ्री आर इनका जब एलसीएम लेंगे तो टू बाय थ्री आर आ जाएगा तो चार ऑप्शन जो अपने को दे रखे हैं सो वो जी एम एम बाय आर के टर्म में नहीं है वहाँ पर अपने छोटा जी यूज़ किया हुआ है छोटा जी यूज़ करना बड़ा आसान काम है यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैं आर ई uh, से मल्टीप्लाई करूँ आर से मल्टीप्लाई करूँ आर से डिवाइड करूँ तो जी एम एम बाई स्क्वायर जो टर्म बनी इसको हम स्मॉल uh, जी लिख सकते हैं सो so, आपका डेल्टा यू या डेल्टा पी जो बना देट विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री एम जी आर सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी टू बाय थ्री एम जी आर वुड बी द करेक्ट चॉइस